फ्रेंड्स, माता सुनंदा खुद अपनी इच्छा से अपने पुत्र को, अपने पति साधु बने हुए को झोली में डालकर बाद में खुद ही अपनी ममता से अपने पुत्र को दोबारा ममता से भर जाती है और अपने पुत्र को दोबारा साधु से जब वापिस मांगती है तो आगे वो राज दरबार में पहुँच जाती है। राज दरबार में पहुँच जाती है और धन गिरी साधु और उनके जो गुरु हैं सी गिरी उनके पास जाकर बोलती है मुझे अपना पुत्र चाहिए और वे सभी राज दरबार में जाते हैं। राज दरबार के राजा बोलते हैं कि जो पुत्र है वो अपनी इच्छा से किसी के पास भी जा सकता है, पहले पुत्र से पूछते हैं। तो पुत्र दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, धनगिरी राजा धनगिरी साधु बने हुए के बीच में और अपनी माता सुनंदा के। तो पुत्र अपनी इच्छा से दोनों में से अपने साधु पिता को चुनते हैं और उनके साथ चले जाते हैं क्योंकि उनका वैराग्य का रंग चढ़ा हुआ है और वे अपनी माता की ओर देखते भी नहीं। ऐसा देखकर उनकी माँ का मन भी वैराग्य से भर जाता है और वे बहुत ही सोचती हैं कि मुझे भी अब इस संसार में नहीं रहना, मुझे भी दीक्षा लेनी है। और वज्र मुनि 8 साल की उम्र में दीक्षा लेते हैं और ऐसे साधु सबसे पहले ही बने हुए हैं जो इतनी कम उम्र में जैन धर्म में दीक्षा का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और छोटे संत होते हुए भी उन्हें दीक्षा से पहले ही गहरे अंगों का ज्ञान पहले ही हो गया था। तो उन्हें और सब एक बार गुरुदेव सिंह गिरी जी कहीं गए होते हैं किसी कामवश, जब वे वापस आते हैं तो वज्र मुनि इतनी गहरी तरीके से इतने अच्छे तरीके से शंकर की वाचना अपने गुरुओं को उपकरण अपने सामने रख कर कर रहे होते हैं तो उनकी ये वाचना सुनकर वो हैरान रह जाते हैं गुरु श्री जी। और उन्हें लगता है कि बड़े मुनि जो हैं उनको छोटा जानकर इनके इतना ज्ञान में होने का अपमान न करते। तो उन्हें एक युक्ति सूझती है तो वे एक बार सब कुछ छोड़कर विहार करते हैं, कहते हैं मुझे अगले किसी दूसरे प्रदेश में विहार करना है और वे विहार करने चले जाते हैं। तो पीछे से सभी मुनि बोलते हैं कि अभी शास्त्र की वाचना हमें शास्त्र का ज्ञान कौन करवाएगा। तो मुनि सिंह गिरी जी छोटे मुनि वज्र का नाम लेते हैं कि वो तुम्हें शास्त्र की वाचना करवाएंगे क्योंकि उन्हें बड़े मुनियों से भी ज़्यादा उन्हें ज्ञान होता है उन्हें सारी बातों का। तो जैसे ही वो चले जाते हैं तो पीछे से सब मुनियों को वो शास्त्र की वाचना इतनी गहरे तरीके से करवाते हैं कि जो मंद से मंद बुद्धि मुनि है उनको भी वाचना इतने अच्छे से समझ आ जाती है और सभी उनसे प्रसन्न होते हैं। जब वे वापस आकर पूछते हैं कि तुम्हारे शास्त्र की वाचना कैसी रही तो सब बोलते हैं कि हमें तो अब वज्र मुनि के ही से ही हमें शास्त्र की वाचना करनी है, इन्हें हमारा आचार्य बना दिया जाए। तो वे अब आचार्य बन जाते हैं और वज्र मुनि आगे चलकर बहुत ज्ञान को अर्जित करते हैं। फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब दुष्काल हो जाता है, सारी जगह दुष्काल पड़ जाता है। तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में थोड़ा सा अनाज मिलता है और उस अनाज में भी लोग जहर मिला के खाने को उद्यत हो जाते हैं, इतनी दुष्काल की स्थिति आ जाती है, सभी मरने को उद्यत हो जाते हैं। लेकिन तब भी गुरु वज्र मुनि जो हैं वो एक परिवार को बहुत दिलासा देते हैं। एक परिवार होता है जो चावल के दाने में थोड़े से उबले हुए चावल होते हैं उनमें जहर मिलाकर खाने को उद्यत होता है। लोग से कहते हैं कि सब दिन ऐसे नहीं रहते, अगले ही दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगले ही दिन दुष्काल नहीं रहेगा, दुष्काल समाप्त हो जाएगा अगले ही दिन। तो फिर वैसा ही होता है और दुष्काल की जो समय है ऐसा मत सोचिए कि आज बुरा समय है तो अच्छा समय नहीं आएगा, तो अगला ही दिन क्या आपका अगली ही सुबह बहुत अच्छी आए, बहुत अच्छी किरण लेकर आए। तो वज्र मुनि के